इसको डायरेक्टली उसमें ही करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करके लेते हैं, इलेक्ट्रो डिजाइन रीओपन, और इधर से इलेक्ट्रो डिजाइन के अंदर वापस से इनिशियलाइज, इसको मैं नाम दे दूंगा इलेक्ट्रोड, इधर मशीन सेट वापस से डिफाइन करके ले लेते हैं। तो मुझे इस फेस के सेंटर में चाहिए, जेड को मुझे फ्लिप करना रहेगा और एक्स को मुझे 180 डिग्री घुमाना रहेगा। तो ये सब मेरा सेट हो चुका है, एक्स मैंने रोटेट कर लिया है जैसा मुझे चाहिए, तो और 90 डिग्री मुझे इसको घुमाना है। सो 90 डिग्री, तो मुझे एक्स ऐसा चाहिए, वाई ऐसा चाहिए, मैंने सब सेट कर लिया और इसको मैंने ओके कर दिया। तो हम लोग का पार्ट रेडी हो चुका है। इसमें सबसे पहले सेव करके ले लेता हूँ ताकि इसके सारे पार्ट्स सेव हो जाए। ओके, सो अभी जैसे जब मैं असेंबली नेविगेटर में जाऊंगा और सबसे पहले मैं इसको राइट क्लिक करके मैं एक वर्क पार्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरे पीसी में प्रॉब्लम आ रहा है। आप इधर ओपन विंडो, ओपन न्यू विंडो भी कर सकते हो। मैं एक वर्क पार्ट करने से क्या होगा कि बाकी के बॉडीज भी दिखाई देते हैं, तो आपको उसको हाइड करना पड़ेगा। आपको जो बॉडी चाहिए खाली उसको भी शो करना पड़ेगा, बस खाली उतना ही डिफिकल्टी आपको आ सकती है। अब जैसे आप इसको मेक वर्ड पार्ट करोगे तो आप देखोगे कि इधर ये वापस से आ रहा है, तो इससे कुछ भी इशू नहीं होगा। अब सबसे पहले क्या करना रहेगा हम लोग को, एनएक्स को बताने के लिए कि ये मेरा एरिया है जो मुझे इलेक्ट्रोड से मशीन करना है और ये मेरा एरिया जो मुझे इलेक्ट्रोड से मशीन करना है। तो इधर एक हम लोग का ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग ज्योमेट्री। इससे क्या होता है कि आगे जाके अगर आपको चेक करना रहता है कि क्या इलेक्ट्रोड किसी भी मशीनिंग एरिया से हिट तो नहीं करता, तो उसके लिए आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैं इधर से जाता हूँ मैन्युफैक्चरिंग ज्योमेट्री में, और मैन्युफैक्चरिंग ज्योमेट्री के अंदर इलेक्ट्रोड विजार्ड आप यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रोड डिजाइन आप ये सारे एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो। स्लाइडर के इलेक्ट्रोड बना सकते हो, टेस्टिंग के लिए बना सकते हो, सील फेसेस के लिए बना सकते हो, तो आप इधर अलग अलग कंडीशन के लिए बना सकते हो। तो सपोज मैं EDM या स्पार्किंग मशीन के लिए इलेक्ट्रोड बना रहा हूँ, तो मैं इधर EDM पे सिलेक्ट करता हूँ, इधर मैं एक नया ग्रुप ऐड करके लेता हूँ। तो इधर से मैंने एक नया ग्रुप ऐड किया। अगर इसको आपको रीनेम करना है, ओके, अगर इसको रीनेम करना चाहते हो तो इसको इलेक्ट्रोड 1 के जगह पे कुछ और भी बोल सकते हो। तो सपोज मैंने ये सिलेक्ट करके लिया, इलेक्ट्रोड 1 रहेगा, और अभी मैं अपना फेसेस सिलेक्ट करता हूँ। सपोज मैं इधर से सिंगल फेसेस पे गया, तो मुझे ये एक फेस चाहिए, ये फेस मेरा बॉटम मोस्ट फेस है जिधर हिट करना चाहिए इलेक्ट्रोड, ओके। और इधर से मैं बॉस पॉकेट फेस लेके ये सारे के सारे जो 9 फेसेस हैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट मशीनिंग एरिया रहेगा, ये पूरा मेरा फर्स्ट मशीनिंग एरिया रहेगा। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो इसके अंदर फेसेस आ जाएंगे। अगर इसको मैं कलर देना चाहूँ तो इसको कलर भी दे सकता हूँ, इधर से राइट क्लिक करके सेट कलर देके। मैं इसको अलग अलग कलर देना चाहूँ तो इसको अलग कलर भी मैं देके ले सकता हूँ। अगर मुझे और एक ग्रुप बनाना है, जैसे मुझे दूसरे एरिया के लिए और एक ग्रुप बनाना है, तो मैं और एक ग्रुप बना लेता हूँ इधर न्यू ग्रुप करके, और इधर से मैं टेंजेंट फेसेस लेके अपना सिलेक्शन थोड़ा फास्ट वे में कर लेता हूँ। तो जैसे कि ये सब मेरा सिलेक्शन में आएगा, ओके, ये बॉटम फेसेस भी रहेंगे इसके अंदर, ओके। तो ये सारे मेरा सिलेक्शन मैंने इधर कर लिया है जो भी मुझे चाहिए ये पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो ये मेरा मशीनिंग एरिया रहेगा फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रोड। इसको अप्लाई दबा के अब इधर से मैं इसको भी कलर देना चाहूँ तो इसको मैं अलग कलर दे सकता हूँ। तो आप इसको अलग अलग इलेक्ट्रोड को अलग अलग डेजिग्नेशन दे सकते हो, तो ये आपका इलेक्ट्रोड 1 रहेगा या आपका इलेक्ट्रोड 2 रहेगा, उस तरीके से आप दे सकते हो। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूं और ये बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर दूं, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने दो इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट किया हुआ है, कौन से एरियाज में सिलेक्टेड है, तो सारा चीज़ें आपको कंट्रोल इधर आपको अच्छी तरह से मिल जाता है, ओके। तो ये सब होने के बाद में इसको ओके करता हूं ताकि मेरा मशीन एरिया सेट हो जाए। तो सबसे पहला चीज़ इसके अंदर मुझे मैन्युफैक्चरिंग ज्योमेट्री सेट करना पड़ता है कि ये मेरा इलेक्ट्रोड से मैन्युफैक्चरिंग होगा। नाउ इलेक्ट्रोड डिजाइन को आप कैम के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, तो उससे क्या होगा कि जब आप कैम में जाओगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली टूल आपका ये टाइट स्पेसेस में नहीं चलाने का कोशिश करेगा। अगर इवन छोटा टूल लेते हो तो भी नहीं चलाएगा, क्योंकि आपने डेजिग्नेट किया हुआ है कि आपको इसको EDM से कंप्लीट करना है, ओके। तो ये सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी पता चल चुका है कि आपको इसको EDM से करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ इस फाइल को। अभी नेक्स्ट चीज मुझे क्या करना है कि मुझे इधर मेरा इलेक्ट्रोड बनाना है, ओके। सो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए मैं अपना बाउंडिंग बॉडी करके इधर एक कमांड है जो कि मैं यूज करूंगा इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। तो इधर बाउंडिंग बॉडी लेता हूँ, अभी इधर से मैं सिंगल फेस ले लेता हूँ। तो मुझे सबसे पहले सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप देखोगे मैं जैसे ये फेस सिलेक्ट करता हूँ तो इधर एक बाउंडिंग बॉडी जैसा कुछ बन रहा है, ओके। तो ये आपको दिखाई देता रहेगा, इधर बाउंडिंग बॉडी दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये सारे टॉप फेसेस में सिलेक्ट कर रहा हूँ, इवन आप एजेस सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं फेसेस जो टॉप फेसेस है मॉडल के उसी फेसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और फाइनली ये साइड का फेस भी है, ओके। तो इससे क्या होगा कि ये बाउंडिंग बॉडी पूरी तरह से इसको कवर अप कर रहा है। अभी आपको इधर दिखा सकते हो कि आपको क्लियरेंस मुझे 3 mm का चाहिए कम से कम सब साइड में। तो इधर क्लियरेंस हो गया, तो ये आपका ऑटोमाइज हो गया थोड़ा प्रोसेस, आपका इधर क्लियरेंस हो सकता है ऑटोमेटिकली। अगर आप बोलते हो कि मुझे जेड में ये डायरेक्शन में इसको कम से कम 45 mm ऊपर रखना है, तो इसको 45 mm मैंने ऊपर दे दिया।
अभी ये क्या हो रहा है कि सब जगह से एक साथ क्लियरेंस आपका बढ़िया कम रहा है, ओके। तो उसके लिए भी मैं ये कर सकता हूँ कि सिंगल ऑफसेट की जगह पे इसको 3 mm ले गया, सिंगल ऑफसेट को मैं ऑफ कर देता हूँ और इधर से फिर मैं 45 ले लेता हूँ। मैं अंडू करके जरा इसको वापस से सेलेक्ट करके ले लेता हूँ, बॉन्डिंग बॉडी, मेरे को खाली एक चीज का ध्यान रखना पड़ रहा है कि मेरा मिडिल माउस बटन ज्यादा हार्ड प्रेस ना हो जाए, तो ये भी कंडीशन बराबर है देखा जाए तो सब जगह से 3 mm का क्लियरेंस है आपका। अभी तो सेटिंग में जाके अगर आपको नॉन अलाइंड मिनिमम बॉडी चाहिए तो नॉन अलाइंड मिनिमम बॉडी बना सकते हो, बट फिलहाल मुझे नॉन अलाइंड नहीं चाहिए, मुझे एक्स वाई जेड के हिसाब से अलाइंड चाहिए, तो मैंने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सेट किए थे। और इधर शो डायमेंशन दिखना चाहिए कि नहीं वो सब अभी से दे सकते हो। अभी सिंगल ऑफसेट को बंद करके तो इस जगह से मैं इसको 45 mm ऊपर ले लेता हूँ, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो ये मेरा एक बाउंडिंग बॉडी ऑटोमेटिकली इधर बन गया, तो मुझे इसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब दूसरा चीज मुझे क्या करना है कि इसके थ्रू मुझे इधर इलेक्ट्रोड बनाना, तो इधर एक ट्रिम सॉलिड करके कमांड है जिससे कि आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हो। तो ट्रिम सॉलिड मैंने दिया, तो फेसेस में मैंने खाली ये फेस को सिलेक्ट किया, बॉटम मोस्ट फेस, ठीक है, और टारगेट बॉडी में मैंने इस बॉडी को सिलेक्ट किया। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अगर मैं इसका रिजल्ट देखूँ तो ऑटोमेटिकली ये मुझे इलेक्ट्रोड बना देगा, जो भी इलेक्ट्रोड मुझे चाहिए वो इलेक्ट्रोड ये मुझे ऑटोमेटिकली बना देगा, ओके। तो इधर आप ऐसा भी कर सकते हो कि फेस इनसाइड द बाउंडिंग बॉक्स, ये इधर से अगर मैं ले लूँ फेस इनसाइड द बाउंडिंग बॉक्स, तो ऑटोमेटिकली सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लेता है जो भी बाउंडिंग बॉक्स के अंदर है, और इससे ऑटोमेटिकली आपका इलेक्ट्रोड प्रॉपरली बन जाता है, ओके। अब इसके अंदर भी अगर आपको क्लियरेंस वगैरह सेट करना है तो ये बाउंडिंग बॉक्स क्लियरेंस इधर है 0.1 mm का, जो मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है, तो ये सब आप इधर सेट कर सकते हो। आप इसको ट्रिम करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो या रीजन रखना चाहते हो, उनको उसको ट्रिम करना है फिलहाल खाली, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा इस केस में। तो अगर आपको ये सब सिलेक्ट नहीं करना है एक एक करके, तो आप इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट ले सकते हो, तो इससे क्या होगा डायरेक्टली आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। तो इसको मैं ओके कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरा सपोज एक पहला इलेक्ट्रोड आप बोल सकते हो उस तरीके से बन गया ऑटोमेटिकली, ओके। इसमें भी ज्यादा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा। अभी ये इलेक्ट्रोड को मैं हाइड कर देता हूँ, तो मैं इस इलेक्ट्रोड को हाइड करने के लिए व्यू मैनेजर में चले जाता हूँ, इधर से व्यू नेविगेटर, और इधर से मेरा फिक्स हाफ है, कैविटी है, फ्री फ्रोजन है, तो इसके अंदर मुझे मेरा साइड ए यही सब दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोड अभी तक इसके अंदर आया नहीं है, उसके लिए मुझे मेरा मेन प्रोजेक्ट सेव करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको मैनुअली हाइड करके देता हूँ, जैसे तो राइट क्लिक करके नो सिलेक्शन फिल्टर की जगह पे सॉलिड बॉडी, और इसको मैं राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, ओके। तो ये मेरा इस तरीके से मैंने बॉडी हाइड करके ले ली। अभी सपोज जो मुझे सेकेंड इलेक्ट्रोड बनाना है वो मुझे इस जगह पे बनाना है, ओके। तो इस जगह पे मुझे मेरा सेकंड इलेक्ट्रोड बनाना है। अब इसके लिए भी सबसे पहला मैं क्या करूंगा कि मैं अपना बाउंडिंग बॉडी कमांड जो था वो मैं चालू करूंगा, ओके। तो बाउंडिंग बॉडी कमांड चालू करके तो इधर से मैं डिफाइन करूंगा कि ओके मेरा इलेक्ट्रोड ये फेस, ये बॉटम फेस, ओके। अभी इसमें आपको सारे फेसेस सिलेक्ट करने के नहीं करने, वो आप डिफाइन कर सकते हो, और ये साइड फेस के हिसाब से बनना चाहिए। अब देखो कि इलेक्ट्रोड बहुत बड़ा बन रहा है, ओके। आप देखो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है इलेक्ट्रोड, तो इधर मैं ब्लॉक ले लेता हूँ वापस, ये थ्री फेसेस को सिलेक्ट करने की जगह बॉटम फेस को मैं हटा देता हूँ सिलेक्शन में से, तो मेरा इलेक्ट्रोड थोड़ा छोटा बनेगा, ओके। तो इस तरीके से मेरा इलेक्ट्रोड बनता है। तो मैंने खाली दो साइड फेसेस को सिलेक्ट किया, 3 mm का क्लियरेंस देकर रखा हुआ मैंने, तो इस तरीके से मेरा एक इलेक्ट्रोड बनता है, ओके। तो अभी अगर आपको इसको चेंज करना है स्पेसिफाई ओरिएंटेशन में जाके, अब इसको इसका ओरिएंटेशन वगैरह जो भी चेंज करना है एक्स वाई जेड में, उसका वजह से चेंज करके ले सकते हो, इसका कलर चेंज करना है चेंज कर सकते हो। अभी इससे क्या होगा कि अगर आप एक अलाइंड या नॉन अलाइंड बॉडी बनाते हो तो थोड़ा आपको शिफ्ट मिलता है। तो जैसे कि बेसिकली अगर आप एक नॉन अलाइंड या अलाइंड बॉडी बनाते हो, ओके, नॉन अलाइंड बॉडी, तो इससे इसके साथ में प्रॉपर्ली अलाइंड हो जाता है। सपोज मैंने इधर अपना एक इलेक्ट्रोड इस तरीके से बना लिया बॉन्डिंग बॉडी यूज करके, तो इधर मेरे पास एक कमांड है रिप्लेस सॉलिड करके, जिससे कि क्या होगा कि मैं ये सॉलिड फेस को, ओके, इस बाउंड्री फेस के साथ में मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। So, और इधर मैं क्रिएट बाउंडिंग बॉक्स करके जो ऑप्शन है वो बंद कर देता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, कैंसिल करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को अंडू कर देता हूँ जो कि मैंने बाउंडिंग बॉडी से बनाया था, और डायरेक्टली रिप्लेस सॉलिड से मैं फेसेस को बना के लेता हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट फेस लिया, ओके, ये मैंने सेकेंड फेस लिया, और ये मैंने थर्ड फेस लिया। तो इसके तीनों फेसेस के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली बना रहा है,
जो भी मुझे बाउंड्री चाहिए वो ऑटोमेटिकली बना रहा है। इधर मैं क्रिएट बाउंडिंग बॉक्स को मैं बंद कर देता हूँ, तो जिससे क्या होगा ये मिनिमम साइज का बाउंड्री हम लोग का बनेगा। अब इसके बाउंड्री के अंदर इधर हमारे पास एक ऑप्शन है एडिट बाउंडिंग बॉक्स। अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ कि इससे अगर मुझे इसको ऊपर शिफ्ट करना है, जैसे कि मुझे इस जगह से मुझे इसको 45 mm या 30-40 mm ऊपर शिफ्ट करना है, तो इसको 45 mm के आसपास मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। सिमिलरली मुझे ये डायरेक्शन में इसको बाहर निकालना है, 2-3 mm बाहर निकालना है, तो इसको मैं 3 mm बाहर निकाल लेता हूँ। और सिमिलरली इस डायरेक्शन में मुझे इसको 3 mm बाहर निकालना है, तो इसको मैं इधर से भी 3 mm बाहर निकाल लेता हूँ, या 2 mm बाहर निकालते हैं इसको दोनों साइड से। ओके, तो 2 mm मैंने इधर से बाहर निकाल लिया। और जो भी आपको पैरामीटर्स देने हैं वो आप दे सकते हो, और ये काफी ज्यादा इजी तरीके से या काफी ज्यादा फास्ट तरीके से बन जाता है। ओके, जिसको मैं ओके करता हूँ, तो ये मेरा इलेक्ट्रोड इस तरीके से कुछ बनेगा। ये इसको प्रॉपरली स्टिक है और ये 3 फेसेस को यूज करके ये मेरा इलेक्ट्रोड बन रहा है। ओके, तो अगर मैं जैसे बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन चालू कर दूँ तो एक पूरा बॉक्स बना देगा जो कि मुझे नहीं चाहिए। ओके, और सेटिंग में जाके अगर आपको कुछ क्लियरेंसेस देने हैं तो आप जैसे क्लियरेंसेस दे सकते हो, एक डिफॉल्ट क्लियरेंस अगर आपको सेट करना है तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो इधर से मेरा एक जैसे एक सिंगल इलेक्ट्रोड इधर से बन गया। वैसे ही मुझे इधर भी एक इलेक्ट्रोड चाहिए, तो उसके लिए भी मैं सेम तरीका यूज करता हूँ। इवन आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अगर आपको इलेक्ट्रोड कॉपी पेस्ट करने हैं तो आपके पास इधर एक ऑप्शन है कॉपी इलेक्ट्रोड करके, उसके थ्रू आप कॉपी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं वही ऑप्शन यूज करता हूँ, ये 3 फेसेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये 3 फेसेस के अलावा इस बार मैं ये फेस को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जिससे कि ये फेस इसके साथ मैच हो जाएगा, ये फेस ऊपर वाले के साथ मैच हो जाएगा और ये फेस इस साइड के साथ मैच हो जाएगा। अब इसको मुझे फ्लिप करना रहेगा, ये फेस को फ्लिप, इसको भी फ्लिप और इसको भी फ्लिप। ओके, तो इस तरीके से मेरा इलेक्ट्रोड बन जाएगा, जो कि ये साइड से इसको मैच है बट इन सब एरिया से इस पर्टिकुलर फेसेस को मैच होके बन रहा है, मतलब इसका ही लेंथ विद हाइट को इनहेरिट कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि जब आप एक इलेक्ट्रोड बना लेते हो तो इससे आपका काम ज्यादा आसान हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रोड और जल्दी बन जाता है। तो जैसे कि इधर भी मैं बना लेता हूँ, ये फेस सिलेक्ट किया, ये फेस सिलेक्ट किया और ये मेरा बॉटम फेस सिलेक्ट किया, बॉन्डिंग बॉडी का ऑप्शन या बॉन्डिंग बॉक्स का ऑप्शन मैंने बंद कर दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले ये आप बॉन्डिंग बॉक्स का ऑप्शन चालू रखते हैं, अगर आप बॉन्डिंग बॉक्स चालू रखोगे तो क्लियरेंस के साथ में बनेगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है क्लियरेंस के साथ में ना बने। तो क्योंकि मैं ये फेस इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैंने पहले फ्लिप कर लेता हूँ, लास्ट के 3 फेसेस को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको रीसिलेक्ट, तो इसको मैंने फ्लिप कर लिया। फिर ये फेस को सिलेक्ट करके इसको मैं फ्लिप कर लेता हूँ और फिर ये फेस को सिलेक्ट करके इसको मैं फ्लिप कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये सपोज इलेक्ट्रोड इधर बन के रेडी होगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आप बॉडी के पैरामीटर्स को यूज करके आपका इलेक्ट्रोड बना रहे हो, इसलिए इसको इलेक्ट्रोड डिजाइन बोला जाता है। विजार्ड में क्या होता था कि ये सब चीजें ऑटोमाइज हो जाती थी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हर बार आपके पास एक अलग आर्टिकल होता है, हर बार आपके पास एक अलग सिचुएशन होता है, तो इसको ऑटोमाइज करना आपका सोल्यूशन नहीं है। इसको कितना फास्ट कर सकते हो, कितना जल्दी इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रोड बना के ले सकते हो, वो आपका एक मेजर की पॉइंट है जो आपको इस कंडीशन में ध्यान रखना है। अभी सपोज आपका इलेक्ट्रोड बन गया, अब इसके ऊपर आपको एक ब्लैंक बॉडी भी ऐड करनी है। सपोज कि इसके ऊपर मुझे मेरा ब्लैंक बॉडी ऐड करके लेना, तो सबसे पहले मैंने जो बॉडी हाइट की थी उसको मैं शो कर लेता हूँ, तो इस बॉडी को मैं शो कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने अपनी बॉडी शो कर ली, अब इस पार्ट को मैं सेव कर लेता हूँ, तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड रेडी है। अब इधर से मैं जाके डिजाइन ब्लैंक के अंदर में जाके, तो इधर से मैं अपना ब्लैंक बना सकता हूँ। सपोज मेरा एक ब्लैंक इस इलेक्ट्रोड के लिए बनेगा, तो ये इसका इन्फॉर्मेशन है कितना बड़ा ब्लैंक बनेगा एंड एवरी अदर इन्फॉर्मेशन, तो ये सारे डिफॉल्ट पैरामीटर में रहने देता हूँ और इधर से मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर एक खुद से अपना एक ब्लैंक बना के ले लेगा, जिसके लिए मुझे अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका एक ब्लैंक बन गया पहले इलेक्ट्रोड का। अभी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोड ये ब्लैंक जो आपका है वो दूसरे वर्क पार्ट में है, जिसके वजह से इस तरीके से ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो आपको डबल क्लिक करके मैं दिखा सकता हूँ, ये इलेक्ट्रोड इस तरीके से दिखाई देगा। और सिमिलरली इसके अंदर भी आपका एक ब्लैंक बनेगा ये तीनों बॉडी के ऊपर, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो ये तीनों बॉडी के ऊपर एक सिंगुलर ब्लैंक बनेगा। तो तीनों बॉडी एक ही ब्लैंक के अंदर जाएंगे, तो वो हम लोग ने इन्फॉर्मेशन इसको दे दिया सॉफ्टवेयर को। तो ये आपका 2 इलेक्ट्रोड, आप देखोगे कि ये पहला इलेक्ट्रोड ये दूसरा इलेक्ट्रोड दोनों अलग अलग बन गए। अगर आपको इसके ऊपर एक फिक्चर डालना है इलेक्ट्रोड का, तो ये भी ऑटोमाइज प्रोसेस है कुछ देर से, आपको जो टाइप का फिक्चर लेना है, इधर आपके अलग अलग टाइप के फिक्चर्स अवेलेबल है, तो आपको जो टाइप का फिक्चर लेना आप ले सकते हो। और इधर से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से कंपोनेंट में मुझे इसको डालना है, तो इधर से मैंने सिलेक्ट किया, सपोज ये इलेक्ट्रोड इस कंपोनेंट के ऊपर मुझे चाहिए, उसमें अप्लाई।
अप्लाई इसके लिए भी बस मुझे दो दो डालने हैं, तो अभी ओके कर दिया इसको मैंने। अब इसमें मुझे दिखा रहे कि मुझे सेव करने का अलाउ नहीं करेगा क्योंकि मैंने लाइब्रेरी अभी तक सेट नहीं की है, तो वो चलेगा मुझे, मुझे इसको सेव नहीं भी करना वैसे भी। तो ये इलेक्ट्रोड स्पेस के ऊपर इसको ओके। तो ये आप देख सकते हो कि आपका पूरी तरह से इलेक्ट्रोड डिजाइन जो है विद द फिक्सचर ये आपका रेडी हो चुका है। आप कंपेयर करोगे अगर टाइमिंग को, ओके, जो इसको बनाने को टाइम लगा था उसका हाफ से भी कम टाइम इधर बनाने को लगा है, ओके। क्योंकि इसमें क्या होगा कि मैं आपको दिखाते दिखाते बना रहा था, नॉर्मली अगर मैं इसको बनाऊंगा तो और भी कम टाइम मुझे इसको लगेगा बनाने के लिए, ओके। अब पिछले प्रोसेस में देखोगे तो मैंने खाली आपको एक साइड का दिखाया था, बाकी सब साइड मैंने फटाफट कर दिया था, ओके। तो अभी जैसे मेरा इलेक्ट्रोड रेडी हो गया, अभी इलेक्ट्रोड बनाना एक पार्ट होता है, मतलब जैसे कि मैंने इलेक्ट्रोड तो चलो बना लिए, अभी इलेक्ट्रोड हम लोग का रेडी है, तो इसमें क्या होगा कि मैं अपने बॉडी को हाइड करके कोई भी इलेक्ट्रोड को देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ प्रॉपरली, मुझे दिखाई देगा इसका सेंटर मार्क है प्रॉपरली। अब इस इलेक्ट्रोड के अंदर भी फिक्सर है, फिक्सर के बिना देखना है जैसा देखना है मैं देख सकता हूँ, तो मतलब मेरे पास पूरा का पूरा कंट्रोल अवेलेबल है, जैसा भी मुझे देखना है मैं देख सकता हूँ। अभी जैसे कि मैंने इसको पार्ट को सेव कर लिया तो इवन भी इधर भी मुझे इलेक्ट्रोड आ जाता है, तो इलेक्ट्रोड ए इलेक्ट्रोड ऐसा करके मुझे देखना है तो मैं इधर से देख के ले सकता हूँ। अगर मैं उसको डेजिग्नेट करना है कि मेरा इलेक्ट्रोड ए है, ये मेरा इलेक्ट्रोड बी है, वो सारा चीजें भी मैं इधर से करके ले सकता हूँ। तो इधर से इलेक्ट्रोड को हाइड करके इधर से इलेक्ट्रोड को शो भी किया जा सकता है, ओके। सो अभी मुझे क्या करना है कि मुझे अपना इलेक्ट्रोड को ड्राफ्टिंग करना है, मतलब इसका मुझे डिजाइन बनाना है। तो मैं इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, इलेक्ट्रोड बिल ऑफ मटेरियल भी है अगर आपको उसका बिल ऑफ मटेरियल चाहिए तो, एक और ऑप्शन है चेक इलेक्ट्रोड। इससे क्या होगा कि आप इलेक्ट्रोड को चेक कर सकते हो, तो आप वर्कपीस बता दो आप कौन से इलेक्ट्रोड को चेक करना चाहते हो वो आप बता दो। तो मैंने जैसे कि ये इलेक्ट्रोड ले लिया, मुझे इसको चेक करना है ये वर्कपीस के हिसाब से बराबर है कि नहीं है। अब इसको मैं ओके करता हूँ तो सॉफ्टवेयर मुझे कुछ चेक्स करके देगा कि इलेक्ट्रोड बराबर से काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर ने बनाया हुआ है, सब ट्रिमिंग सॉफ्टवेयर ने किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हाँ टच हो रहा है प्रॉपरली, ओके, कौन से एरिया में टच हो रहा है वो सब भी आपको इधर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ओके। और ये सारे टच ज्योमेट्रीज है, ये सारे सर्फेस बॉडीज उसने बना के रखे टच ज्योमेट्रीज के लिए, तो इधर से वो टच ज्योमेट्रीज बना रहे हैं या इधर से वो सर्फेसिस बना रहे हैं ये सब इधर क्लियरली देख सकते हो, ओके। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग इलेक्ट्रोड के अंदर या इलेक्ट्रोड बनाते समय ही डाल सकते हैं सारा का सारा इन्फॉर्मेशन। अब मुझे इसका ड्रॉइंग बनाना है, तो मैं इधर से क्रिएट ड्रॉइंग में जाता हूँ, इलेक्ट्रोड ड्रॉइंग के अंदर मुझे मेरा पहले इलेक्ट्रोड का ड्रॉइंग बनाना है या दूसरा इलेक्ट्रोड का वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सपोज मुझे पहले पहले इलेक्ट्रोड का ड्रॉइंग बनाना है और दोनों मुझे ड्रॉइंग बनाना है, ओके। मुझे एक तो इसका असेंबली का ड्रॉइंग बनाना है, उसका मशीनिंग का ड्रॉइंग बनाना है, ओके। और इसके अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे रीनेम करना है कि नहीं, पीडीएफ फाइल आउटपुट चाहिए कि नहीं, ईटीएम शीट आउटपुट चाहिए, वो सब मैं इधर डिफाइन कर सकता हूँ। फिलहाल मैं पहले को या दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके मैं जैसे ओके दबाता हूँ, टोटल मेरे पास चार ड्रॉइंग बनेंगे, पहले वाले के लिए दो ड्रॉइंग और दूसरे वाले के लिए दो ड्रॉइंग, ओके। ये सब ऑटोमेटिकली वो बना के लेगा, उसके अंदर जितने भी डायमेंशन चाहिए सब ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डाल के लेगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर को पता है कि आपका वर्कपीस क्या है, सॉफ्टवेयर को ये भी पता है कि आप किधर से कैलकुलेट करना चाहते हो, और सॉफ्टवेयर को ये भी पता है कि आपने इलेक्ट्रोड किस जगह पे बनाया, उसका मशीनिंग एरिया क्या है, इलेक्ट्रोड का डिजाइन, उसका स्पेसिफिकेशन, वो सारे स्पेसिफिकेशन ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर करके लेता है। तो जैसे कि मैंने बोला डिजाइन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, बट उसके साथ में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शीट रेडी करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका पहला एक ड्रॉइंग बन गया, तो इसके अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आपका इलेक्ट्रोड का लेंथ विड्थ कितना है, ओके, इलेक्ट्रोड या स्पार्किंग एरिया का लेंथ विड्थ कितना है, ओके, इसका स्पेसिफिकेशन मतलब ये फिक्सर से कितना नीचे है, ओके, ये इसका सरफेस कैसा है, उसका सारा स्पेसिफिकेशन कैसे है, ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हाइड करके लेना है तो अगर आप एनएक्स यूज करते हो पता है कैसे करना है वो हाइड। सिमिलरली इसका हाइट कितना है, अगर आप हाइट की बात करोगे तो आपका टोटल हाइट है फ्रॉम द बेस जीरो से, अगर आप देखते हो तो जो आपने जीरो सेट किया था ये आपका जीरो है, मतलब इधर तक आके इलेक्ट्रोड टच करेगा, ओके, ये आपका बेस लाइन आप बोल सकते हो। वो बेस लाइन के हिसाब से इधर डायमेंशन भी दिए हुए हैं कि ये आएगा 50 mm हाइट पे, ये आएगा 60 mm हाइट पे, और ये आएगा टॉप आएगा 70 mm हाइट पे, और इस जीरो से ये इसका क्लियरेंस इधर तक रहेगा, ओके। तो ये सारा स्पेसिफिकेशन इधर दिया हुआ है, जीरो के हिसाब से एक्स और वाई में इसका लोकेशन किधर रहेगा वो भी आप देख सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, तो ये जीरो है, जीरो से ये इतना पीछे है उतना आगे है, सेंटर में है वो एकदम, ओके। और ये जीरो से इतना दूर रहेगा, मतलब ये जीरो से 54.203 mm एक्स में, और इतना दूर वो वाई में रहेगा। सो वाई का भी आपको मैं स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ, तो ये वाई में इतना डिस्टेंस पे और रहेगा। ये सारा चीजें आप इधर से डिफाइन कर सकते हो, खाली यही नहीं, ओके, इवन अगर आपको चाहिए कि दूसरा ड्रॉइंग दिखाता हूँ आपको, सपोज इसी इलेक्ट्रोड का मैं आपको दूसरा भी ड्रॉइंग दिखा के लेता हूँ, तो शायद यही है, ओके, तो ये दूसरे इलेक्ट्रोड का ड्रॉइंग है, तो ऐसा सेम ड्रॉइंग उसके स्पेसिफिकेशन के साथ में आ गया है दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए भी, तीसरे इलेक्ट्रोड के लिए चले जाता है, मतलब बेसिकली नेक्स्ट ड्रॉइंग के लिए चले जाता है। तो ये आपका सारा एक ड्रॉइंग इधर भी जनरेटेड है जो कि एनएक्स के विंडो के अंदर ही है, थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने को, बिकॉज मेरे इसमें मल्टीपल विंडोज का थोड़ा सा इशू है,
तो जिसकी वजह से आपको शायद बराबर से ना दिखाई दे, और एक फोर्थ ड्रॉइंग। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इधर क्लियर कट मिल जाता है कि किस तरीके से कौन सा इलेक्ट्रोड बनने वाला है। तो वापस से अपने टॉप में चले जाता हूँ, जो मेन डिजाइन यूनिट है उसमें चले जाता हूँ। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड डिजाइन जो एप्लीकेशन है वो इस तरीके से काम करता है। इसके अंदर आपके पास और भी टूल्स हैं, जैसे कि अगर आपको लेयर में बनाना है जिस तरीके से मैंने बनाया था, लेयर के अंदर आपको अगर एरिया कैलकुलेट करना है कि कितना एरिया पे ये इलेक्ट्रोड टच कर रहा है, उसके लिए मुझे मेरे मेन बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा। तो इधर से मैं कैलकुलेट एरिया में जाता हूँ, रेफरेंस प्लेन लेके मैं एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसके अंदर मशीनिंग एरिया के अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इधर से मशीनिंग एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितना आपका मतलब एरिया वाइज सारा कैलकुलेशन रहेगा, एक्चुअल बॉडी फेस मतलब कितना वॉल्यूम रहेगा वो सब अभी से ले सकते हो। सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हो, इलेक्ट्रोड्स के लिए भी कर सकते हो वर्कपीस के जगह पे। और इधर से आपके पास और भी सारे टूल्स है, जैसे कि सॉलिड को अगर आपको बड़ा या छोटा करना है, एक्सटेंड करना है अगर आपका रह गया, तो रेफरेंसेस देने हैं, कॉपी करना है अगर आपको कोई इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड का बिल ऑफ मटेरियल चाहिए अगर आपको। तो जैसे मुझे इधर इलेक्ट्रोड का बिल ऑफ मटेरियल चाहिए, तो मुझे इधर इलेक्ट्रोड कितने कितने के है, कौन सा है, एवरीथिंग, यू नो, स्पार्क गैप कितने का रहना चाहिए और कौन से मटेरियल का बनेगा, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, जिसको कि मैं एक्सेल में चाहिए तो एक्सपोर्ट करके दे सकता हूँ। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग को डायरेक्टली मिलता है विद दिस एप्लीकेशन, मतलब इलेक्ट्रोड डिजाइन एप्लीकेशन के साथ में। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है, अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ कि आप पूछ सको, अनम्यूट कर सको अपने आप को।